उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के धौलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव सिवाया में उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक देर से आने से घुसाए लोगों ने क्या कहा, आइए देखते हैं फर्स्ट हैंड संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के धौलाना विधानसभा के गांव सिवाय में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें यहां पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, पुरुष भी हैं। आखिर जानना चाहेंगे क्या मामला है, यहां पे क्यों खड़े हैं। पिछले कई दिनों से इन लोगों का शिकायत है कि यहाँ की जो स्कूल की जो टीचर है लेट आती है, 10:30-11 बजे आती है, जो कि 9 बजे है आने का है। पूर्व प्रधान जी देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र शर्मा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे आखिर क्या मामला है, आप यहाँ पे भीड़ इकट्ठा किए सिवाय गाँव में। प्रधान ग्राम सिवाया देवेंद्र शर्मा, यहाँ पे एक अर्चना मैडम है जूनियर स्कूल में है जो हेड टीचर हैं, उसके अलावा 2 टीचर और हैं, वो अच्छी तरह से टाइम से आ रही हैं, पढ़ा रही हैं, लेकिन ये कभी 11:30 बजे कभी 11 बजे आती हैं। गांव की एक दो लेडीज जिनके बच्चे हैं पढ़ते हैं, उन्होंने आकर कहा, इन्होंने टीचर ने उनसे बदतमीजी की, यहाँ से भगा दी। उसके बाद एक पंचायत सदस्य है और उसके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, रामकिशोर सनाव फरदास सिंह, उसने यहाँ आके 11:30 बजे पूछा कि मैडम नहीं आई, बच्चे बोले नहीं आई, मैडम नहीं आई भी, उसने वीडियो बनाई। उसके बाद ने मैडम ने एक दिन रामकिशोर को रोक के उससे बदतमीजी करी, जातक सूचक शब्द बोले और उसकी बच्ची को स्कूल से भगा दिया, जो कि बच्ची है खड़ी है, ये है बच्ची है। उसके बाद में उसने रामकिशोर ने BSA को, ABSA को, SDM साहब को, DM साहब को, सबको कंप्लेंट की, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी दौरान मैडम ने झूठी जाकर के थाने में कि जी आता है, हमारी वीडियो बनाता, उसमें पुलिस को सच्चाई की जानकारी होगी, बात चुप हो गई। उसके बाद में स्कूल की छुट्टी पड़ी, कल रामकिशोर के घर पुलिस आई, उससे पता चला कि मैडम ने फिर झूठी रिपोर्ट कर दी कि स्कूल में ताले टूट गए, चोरी हो गई, रामकिशोर ने ताले तोड़ लिए, जो कि एक सामाजिक व्यक्ति है, कोई शराबी कबाबी भंगड़ी नहीं है, ना ही कोई स्कूल में चोरी हुई। हमने स्कूल में आके सुबह देखा, सुबह मालूम करी सालिनी मैडम से, दूसरी वाली से, वो बोले हमारे यहाँ तो कोई ताले टूटे ना चोरी हुई। हमारे साथ और भी यहाँ लोग मौजूद है, एक वकील साहब है, वकील साहब से जानना चाहेंगे आखिर सच क्या है और क्या मामला है। आखिर वकील साहब क्या मामला है, क्या बात है, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताएंगे। मैडम अर्चना मैडम है जो हेड टीचर हेड मास्टर है जूनियर हाई स्कूल में, उनका व्यवहार सही नहीं है, ना बच्चों के प्रति व्यवहार सही है, ना पेरेंट्स के प्रति व्यवहार सही है। वो अपने आप तानाशाही फैलाना चाह रही हैं और रामकिशोर पर झूठा आरोप लगाया चोरी का, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने अपनी कि मैं यहाँ इस स्कूल की इंचार्ज हूँ, मैं हेड मास्टर हूँ, जो मैं चाहूँगी वो करूँगी, और भी जो 2 बेटियाँ हैं, जो 2 मैडम हैं, उनकी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है, ना बच्चों की शिकायत है, ये बच्चों का बस्ता फेंक रही हैं और झूठे आरोप लगा रही हैं। कल को एक झूठे किसी पे भी कोई भी चट्टान तक आरोप लगा सकती हैं, इससे संविधान के तहत इनका यहाँ इनको यहाँ से हटाया जाए, इनका तबादला कराया जाए। तो आपके इसके बारे में आपने किसी को शिकायत किया जो स्कूल में लेट आती है और चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, झूठ का या सच का होगा, क्या इसने आप इसके बारे में आपने कभी शिकायत किया किसी को? ये तो रामकृष्ण ने सभी अधिकारियों को जो शिक्षा संबंधी अधिकारी हैं, BSA हैं, थाने को भी सूचना दी है, SDM महोदय को भी सूचना दी है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब हम रामकिशोर जी से मिलते हैं जिनके नाम से शिकायत की है टीचर ने, हम इनसे जानकारी चाहेंगे आखिर बात क्या है और सच्चाई क्या है। सबसे पहले आपको हम हमारे रामकिशोर सिंह है, ग्राम सिवाया से ही हूँ मैं भी। एक्चुअली मेरी शिकायत मिलती थी रोजाना बच्चों की कि मैडम नहीं आती स्कूल में, 12 बजे आती हैं, 11 बजे आती हैं, ऐसे अचानक से सर्दी काफ़ी थी, एक दिन मैं निकला जा रहा था रास्ते से तो सारे बाल रोड पर खेल रहे थे, यहाँ पे इसका ताला बंद था, मैंने स्कूल की वीडियो बना ली, ताला बंद है, उसकी वीडियो मेरे पास है, तो उसमें बाद फिर दोबारा मैंने वीडियो बनाई तो 11 बज के कुछ मिनट की वीडियो भी है मेरे पास में, तो उसको लेकर जो है मैडम को पता चला। उसके बाद में फिर 1-2 दिन बाद फिर मैडम लेट आई तो मैं इधर निकला जा रहा था, अचानक से फिर मैंने वीडियो बना ली, उसको लेकर अर्चना मैडम जो है वो मुझ पर एकदम मारने को चढ़ गई, मुझे जो ज़्यादा सोचा सबसे जो पेश आई एकदम, और मेरी बिटिया को स्कूल से भगा दिया, ये मेरी बिटिया है स्कूल से, इसे बिटिया को भगा दिया स्कूल से और उसे बोला है कि तेरी टांगा तोड़ दूंगा, अब स्कूल मत आना, यहाँ तेरे बाप का स्कूल नहीं है, मेरा स्कूल है, इस तरह से बोल के से भगा दिया। जिसके लिए मैंने DM साहब को बाय पोस्ट रजिस्ट्री की है 5 तारीख को, 5 जनवरी को, और SDM सर को मैंने दिए 31 तारीख को, 31 दिसंबर को। तो SDM और DM महोदय से क्या आश्वासन मिला आपको आप आवेदन देने के बाद? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, DM साहब ने कही है मैं कार्रवाई कराता हूँ उस पर, जो जाँच कराता हूँ उसकी, उसके बाद मेरे खिलाफ जो इन्होंने झूठी रिपोर्ट कर दी जाके
क्या स्कूल के ताले टूट गए, तोड़ लिए? तो आपसे जैसे आपसे यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, आपको झूठी इल्जाम आप पे लगाया गया है कि आपने स्कूल में ताला तोड़ा है, क्या ऐसा चोरी हो? स्कूल में कोई चोरी नहीं हुआ, कुछ भी चोरी नहीं हुआ, स्कूल जैसा था वैसा ठीक है, और स्कूल की हम भी खुद देखभाल करते हैं, हमारे गाँव की संपत्ति है, उसकी देखभाल हम भी खुद भी करते हैं, ऐसी कोई स्कूल में कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे साथ यहाँ महिलाएं भी जुड़े हुए हैं, महिलाएं से भी हम जानकारी लेना चाहेंगे, हमारी माताएं और बहनें भी है। बहनें, आप सबसे पहले बहन जी आपका हम नाम जानना चाहेंगे। जी बहन जी, जैसे यहाँ पे स्कूल में राम गोपाल जी का राम किशोर जी का जैसे हमारी लड़की भगा दी, हमारी लड़की जी 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 लेट से आती है मैडम, ये लेट से आ रही है, रस्ते में उठ से आ रहे निकल गए, उन्होंने वीडियो बना ली, बच्चे रस्ते में बड़े। मतलब आपका कहना है कि आपका कहना है कि यहाँ पे जो आपके हस्बैंड को झूठा इल्जाम लगाया गया और उन्हें उनको चोरी का इल्जाम लगाया गया। हाँ, कल पुलिस भेज दी ना, चोरी स्कूल में चोरी हो गई, फोटो हो गई। सिवाय गांव में हम इस वक्त मौजूद है और महिलाएं भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ गई है। राम जी के यहाँ पे इल्जाम लगाया गया चोरी का, और कहा जाता है कि यहाँ के मैडम जो है कि लेट में आती है स्कूल पे। मैडम जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हाँ जी, मीनाक्षी मेरा नाम। लेट आने की समस्या पे अगर ऑब्जेक्शन उठाया है तो उन्होंने एक और नया केस बना दिया है कि चोरी करी है। चोरी में ऐसा क्या चोरी हुआ है दिखा सकते हैं ना, और प्रधान जी ने चेक कराया तो कुछ भी चोरी नहीं हुआ। मतलब ये आपका कहना है कि झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है किसी तरह से? इधर देखिए, हमारे कैमरा में बताइए, ये झूठ बोल रही है अपना केस दबाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए। अच्छा, इसलिए उन्होंने झूठा केस बनाया। तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं मैम जो है समय से और हर बच्चे को ये धमकी ना दे कि आपके बाप का स्कूल नहीं है, मेरा ये चलेगा, समय से और अपनी ड्यूटी समय से निभाए। अच्छा, और यहाँ पे और भी लोग भी जो हमारे साथ मौजूद है, सिवाय गांव में इस वक्त हम मौजूद है। आपको बता दें यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया जाता है चोरी का, जो कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि इल्ज़ाम चोरी का नहीं है, यहाँ पे जो है कि लेट लगा रहे। हमारे साथ भाई है, भाई आपसे हम ये जानना चाहेंगे वाकई में ये जो चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हकीकत में सही है या गलत है? ये गलत है जी, क्योंकि मैम खुद जब लेट आती हैं तो लेट आने पर मैम को खुद टाइम से आए और टाइम से अपनी ड्यूटी निभाएं, जो टाइम है तो अपने टाइम टू टाइम दें। यहाँ पे मैम को मैम जिस जैसे वारदात करती है जी, तो इस पे मैम को सॉरी बोलना चाहिए, गलती माननी चाहिए अपनी, और गलती मानने पे मैम को सबसे पहले जो झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं, क्योंकि और भी यहाँ पे आते जाते हैं स्कूल में, कोई भी पेरेंट्स आएगा बच्चों का तो उनके साथ में ऐसा बदतमीजी नहीं करें। सिवाय गाँव में इस वक्त हम मौजूद है, छोटी सी बच्ची जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ती है। सबसे पहले बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुमारी मानसी सिंह है, और मैं अर्चना मैम ने निकाल दी, भगा दी थी स्कूल से, और जब मैं छुट्टियों के बाद दोबारा आया 18 तारीख को, तो मैं दोबारा भगा दी स्कूल से, और कहने लगी ये तेरे बाप का स्कूल नहीं है, अगर तू आज के बाद स्कूल आई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तो आपने इसके बारे में किस किस को शिकायत की बेटे? SDM सर को और DM सर को और ABS सर को, इन सबको हमने शिकायत करी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं।